ये जो कल हमारे जम्मू में ये जो बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना हुई है, जो आतंकवादियों ने हमला किया, मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी जो है जो बढ़ाई जाए। आगे जो अमरनाथ यात्रा आने वाली है और इस वक्त वैष्णो देवी यात्रा, लोगों पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चों की छुट्टियां चल रही है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में रश है, आने वाले समय में इसके लिए जो भी है सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। और जो भी हमारे में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो तीसरी बार आए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जितना भी किया जा सके करना चाहिए। और बड़ी चिंता का विषय है कि जब हम ये सोच रहे हैं कि आतंकवाद अपने आखिरी चरण पर है, उस वक्त आतंकवादियों द्वारा इस तरह की इतनी बड़ी वारदात कर देना, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। और ऐसा लगता है कि कहीं जो सुरक्षा का जो पैरामीटर्स हैं उसका जो आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये भी है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है कि जिस ढंग से जिस वक्त भारत में राष्ट्रीय सोच की एक सरकार तीसरी बार, ये भी बड़ा हिस्टोरिक था, शपथ ले रही थी, और उस वक्त आतंकवादियों द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था रियासी में शिवपुरी के श्रद्धालुओं के ऊपर, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी एक बू आती है, क्योंकि कुछ चुनावों में भी ऐसा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने इस सरकार को गिराने की कोशिश की। इस तरह के बहुत सारे सर्वेज और वीडियो सामने आए हैं और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने इस तरह की वारदात करवाई है। लेकिन कुछ भी हो, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और आतंकवादियों को पूरी तरह से एलिमिनेट करना और उनके जो समर्थक हैं या OGWs हैं उनको भी पूरी तरह से एलिमिनेट करना, ये मुझे लगता है कि इस सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। खत्म करो।